चलिए अब मैं आपको ब्रह्म कुमारी संस्था के एक बेहद खास कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं, जो मेरे लिए आपके लिए बहुत खास हो गया है। ब्रह्म कुमारी जैसी वैश्विक संस्था की तरफ से मुझे जो खास सम्मान दिया गया, वो आपका हमारा सबका सम्मान है। वो आप दर्शकों के प्यार, दर्शकों के भरोसे की बदौलत ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से मुझे राष्ट्रीय चेतना अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में दो दशकों के मेरे योगदान को पहचान दिलाने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम ब्रह्म कुमारी संस्था के आभारी हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से राष्ट्रीय चेतना अवार्ड 2023 मोदी सरकार के मंत्री भगवंत खूबा ने दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 22 सितंबर से 25 सितंबर तक ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश दुनिया की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर पहले दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा मौजूद हुए। कार्यक्रम में राजयोगी डॉक्टर वी के मृत्युंजय, राजयोगी वी के निर्भर भाई, राजयोगिनी वी के मोहिनी जी, राजयोगिनी वी के जयंती, वी के शिवानी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। वहीं नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नाहकुल सुवेदी जी से लेकर कई देशों के ब्रांड एम्बेसडर ब्रह्म कुमारी संस्था में मौजूद रहे और दुनिया भर के 140 देशों में ब्रह्म कुमारी संस्था की ब्रांच है, जो आम लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रही है और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कोशिश कर रही है। एक आध्यात्मिक संस्था जिसका दुनिया में इतना ज्यादा विस्तार हो, जहां पर सुकून की बात हो, जहां पर शांति की किरणें हो, जहां से पूरे देश और दुनिया को नई दिशा मिल रही हो, एक ऐसा मंच जहां एक ऐसी महान हस्तियों की मौजूदगी हो, ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था, ऐसे लोगों के हाथों सम्मानित होना मेरे लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है, मेरे चैनल के लिए गर्व की बात है। ये पल मेरे लिए बेहद खास रहा है, मेरे लिए एक अलग सा अनुभव भी रहा है। एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहता हूं, ये सब आप सभी दर्शकों के प्यार भरोसे की बदौलत है और ये सब मुमकिन हो सका, क्योंकि ब्रह्म कुमारी संस्था आप सभी दर्शकों को मेरी पूरी टीम की तरफ से भी धन्यवाद करती है और आपका एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं, जो आपका और हमारा रिश्ता सालों से रहा है वो आगे सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए जहां भी रहो खुश रहो, जिस हाल में भी रहो खुश रहो और खुशियां बांटते